नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल एट मै ब्यूटी पर, जहां आपको मिलती हैं कमाल की होम रेमेडीज। दोस्तों, लंबे घने काले मजबूत बाल किसको नहीं पसंद हैं, लेकिन आज के समय में अपने बालों को लंबा रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग फेस करते हैं, तो आज की वीडियो में आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा। आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, खूबसूरत दिखेंगे। ऐसा मैं हेयर पैक, हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं कम्प्लीटली अपने हेयर केयर रूटीन में, तो आपको अपने हेयर पर कमाल के रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल हम फ्रेश निकालेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लीफ ले ली है एलोवेरा की, और इसे बीच से कट कर लिया है। एलोवेरा जेल हर तरीके से बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके बालों को रेशमी, मुलायम और घना बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इस एलोवेरा जेल के अंदर हम एक ऐसी चीज़ मिलाने वाले हैं जो कि आपके बालों को काला बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कांच का बाउल ले लिया है, और इसके अंदर जो हम एलोवेरा लीफ है इसका एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करके डालेंगे। तो लीफ से दोस्तों हमने ये एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और क्योंकि हमें ये अपने बालों की जड़ों में लगाना है तो इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं आधा चम्मच कड़ी पत्ते का पाउडर। कड़ी पत्ता को आप लोग धोकर सुखा लीजिएगा और उसे पीसकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। ये कड़ी पत्ता का पाउडर आपके बहुत काम आएगा बहुत सारी रेमेडीज़ में, क्योंकि करी लीव्स के अंदर होता है विटामिन बी, और ये जो आपके हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन होता है उसके पिगमेंट को बरकरार रखने में हेल्प करता है, जिससे आपके बाल ग्रे होने की वजह धीरे धीरे ब्लैक होने, या आपका जो नेचुरल हेयर का कलर है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए दोस्तों, इसे मिक्स करने के बाद आपको ये पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी मिलेगी। और क्योंकि ये रेमेडी आपको अपने बालों की जड़ों में लगानी है, तो आपके स्कैल्प के लिए भी यही रेमेडी काफ़ी रहेगी। इसे लगाने से पहले आपको एक हेयर ऑयल अपने बालों में लगाना है, अपने बालों की जड़ों में लगाना है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट बोटैनिका का मोरक्कन आर्गन ऑयल। ये कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ आता है। ये स्कैल्प रिवाइटलाइज करता है, जिससे हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है। इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड एंड विटामिन ई होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड हेयर को नरिश करते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट पर 28% का डिस्काउंट पाने के लिए हेयर 28 कूपन कोड इस्तेमाल करें। आपको इस हेयर ऑयल को अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। दोस्तों, आर्गन ऑयल हेयर फॉलिकल्स पर काम करता है, जिससे बालों की अच्छी ग्रोथ होने में भी हेल्प मिलती है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ जब आपके बालों की होगी तो वो काफ़ी बाउंसी दिखेंगे, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ब्यूटीफुल भी दिखेंगे। इसे लगाने के बाद आपको अच्छे से स्कैल्प पर अपने मसाज देनी है, और आप चाहें तो 1 घंटा तक इसे अपने सर में रख सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग इसे वॉश कर सकते हैं। होल नाइट आपको अपने स्कैल्प में इसे रखना है। हेयर वॉश करने से 10 से 15 मिनट पहले जो पेस्ट है आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, और इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश के लिए आप इस्तेमाल कीजिए सेंट बोटैनिका का बायोटिन एंड कोलेजन वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। दोस्तों, बायोटिन है इसके अंदर, डॉक्टर भी बायोटिन यूज करने की सलाह देते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बायोटिन अवेलेबल हो। इसके अंदर बायोटिन है, ये हेयर में केराटिन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल ग्रोथ रेट बढ़ाता है, और साथ ही ये हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाता है। इसके अंदर कोलेजन है, जो कि हेयर डैमेज होने से बचाता है और रिपेयर भी करता है। ये बॉडी के हेयर बिल्डिंग प्रोटीन को बढ़ाता है, जिससे आपको मिलते हैं लॉन्ग एंड थिक हेयर, और ये हेयर फॉलिकल के हेल्दी स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। काफ़ी थिक टेक्सचर वाला ये शैम्पू है दोस्तों। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ही लेनी है अपने हाथों पर, और उसके बाद अपने स्कैल्प पर इसे लगाना है। इसकी थोड़ी सी ही क्वांटिटी से आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, साथ में ही अच्छे से वर्क करेगा, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बनाएगा, और काफ़ी बाउंस आपके हेयर में बाद में दिखेगा। तो अच्छे से अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा, ताकि जो रेमेडी है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए।
और हेयर वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी उनमें शाइन दिखाई दे रही है जैसे कि मेरे हेयर में दिखाई दे रही है फिलहाल। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर बाय कर सकते हैं और रेमेडी के साथ इसे इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको ऑसम रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों को पसंद आए हुई वीडियो, ये रेमेडी ये इस्तेमाल करके देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे चैनल की रेमेडी कैसी लगती हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे एक और कमाल की रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।